फिलेमोन की पत्री में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है उन्नेसिमुस। फिलेमोन का एक सेवक था, उसका नाम क्या था? उन्नेसिमुस था। उन्नेसिमुस किसी कारण से फिलेमोन के घर से क्या हो गया? भाग गया। और जब फिलेमोन के घर से भागा, किसी और गुनाह में, किसी और गलती के कारण उसे जेल भेज दिया गया। पौलुस उन दिनों में जेल में बंद था सुसमाचार प्रचार करने के कारण, और पौलुस उस समय जेल में था, और उन्नेसिमुस भी कहां आया? जेल में आया, और पौलुस की मुलाकात उन्नेसिमुस से होती है, और पौलुस यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जब उन्नेसिमुस यीशु मसीह के बारे में सुनता है, वो अपने पापों का पश्चाताप करता है और उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन एक समय आता है जब उन्नेसिमुस को क्या होना है? अब रिहा होना है। उन्नेसिमुस रिहा हो रहा है, रिहा होने से पहले पौलुस उसके लिए एक लेटर लिखता है। वो उसमें इस प्रकार से लिख रहा है कि हे फिलेमोन, उन्नेसिमुस इससे पहले किसी भी काम का नहीं था, परंतु अब बड़े काम का है। और इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि ये जो यूजलेस था, परंतु जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, और जब उसका जीवन बदला तो वो बड़े काम का हो गया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमें वो आदर का बर्तन, वो ऐसा बर्तन हमें बनाता है जो स्वामी के घर में क्या होता है? बड़े आदर का काम करता है। ऐसा बर्तन परमेश्वर आपको और मुझे बनाता है। जब उन्नेसिमुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जो बेकार उन्नेसिमुस था, जो यूजलेस उन्नेसिमुस था, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसका जीवन बदल गया, और वो आदर का बर्तन जो स्वामी के घर में आदर के योग्य होता है, वो ऐसा बर्तन यीशु मसीह ने उसे बना दिया। वो यूजलेस था और अब क्या हो गया? यूजफुल हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप यूजलेस हो सकते हैं समाज के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, परंतु मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब आपने प्रभु यीशु मसीह का दामन चुना है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चुना है, तो प्रभु आपको बड़े आदर का बर्तन बनाने जा रहा है। प्रभु आपको बड़े काम का व्यक्ति बनाने जा रहा है। ऐसे काम का व्यक्ति जो बड़े बड़े नहीं कर सकते, वो आप और मैं कर गुजरेंगे। प्रभु आज नहीं तो कल आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, आपको बड़े काम का बर्तन बना देगा, आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जो बड़े काम का होगा, जो बहुत ज्यादा काम का होगा। है वो आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जो हर जगह उपयोग किया जाएगा।